भीड़ पालन करते ना। और महाराज जो कोई कार्य हमारे यहाँ होता है धर्म समान होता है। हम अपनी लड़कियों की शादी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, महाराज हम ब्याह तो कर देते लेकिन कारण दूसरा हो। हमारी कन्या के जो बालक होंगे पुत्र होंगे वो तो नौकर रहेंगे महाराज। तुम्हारी बड़ी रानी का एक लड़का है जिसका नाम देवव्रत है और वो तुम्हारे राज्य का मालिक बनेगा। हमारी जो लड़की के बालक होंगे वे तो नौकर चाकर भले बन जाएंगे, महाराज हम ना कर पाएंगे शादी। उसी समय स्वांतन महाराज लौट करके हस्तिनापुर चले गए। जब हस्तिनापुर गए हैं और बार बार उस सुंदरी की याद करते हैं और हालत क्या बन गई महाराज, याद करते करते खाना पीना छोड़ दिया। और विद्वान हो चिंता भी एक रोग का कारण बन जाती है। और हालत क्या बन गई महाराज की, और लला टिंकू प्रभाव का है। और राजा सोच रहे मन में, और राजा सोच रहे मन में, और पल पल याद सताती है और काऊ की नहीं पेश गई जल फूट फटी जय छाती है। सुना दिखे और याद तुम्हारी आती है, और रात दिन का सुना दिखे और याद तुम्हारी आती है, और रात दिन हो दिना नहीं दिन रात नींद नहीं। रात में न दिन, हर समय आंखों के सामने वो लड़की दिखाई दे रही है। और रात में नहीं और रात नींद नहीं आती है, और अन्न जल सब छोड़ दिया और रोटी तक नहीं भाती है। Thank you.
मंत्री ने उसी समय समझाया। एक बात बता मिलना, तुम अपने पिताजी के बारे में पूछ रहे हो तो तुम्हारे पिताजी ऐसो रोग बनोए, भगवान ऐसो रोग का उन्नति। कछु दिन पहले नदी के किनारे टेल रही थी माँ, एक लड़की ये देखे आए और ताई दिन आते तो कुछ खायो और दिन और रात ने तो मैं देखा तू ताई खन जगत मिलते हैं मुई सोते ही ना। देवव्रत ने उसी समय और अपने पिता के पास गई है और तब पिता से जाकर के पूछा है क्या समय। स्वांतन महाराज ने पुत्र को गली से लगाया, बेटा मोर रोग तो कोई भनो ना है। मैं उस नदी पर टहल रहा था और टहलते हुए मैंने एक कुम्हारी को देखा, वो निषाद कन्या है, मैं उससे विवाह करना चाहता था लेकिन उसका जो पिता है उसने एक सवाल कर दिया, बेटा कि तुम्हारी बड़ी रानी का जो बेटा है वो राजा महाराजा बनेगा, महाराज हमारी बिटिया, हम अपनी बिटिया तुम्हारे लिए कर दें तो जाके जो बालक होंगे वे तो नौकच्चा कर भले बने। उसी समय पिता के शब्द को सुनकर के और पिता को साथ लिया देवव्रत ने, और देवव्रत साथ लेकर के अपने पिता को चले, वो कैसे आगे लिखा। अरे एक घोड़ा पे राजा बैठे, एक बेटा ने लो मंगवाई है, व्यासन की लम्हा चलाई रे।
ये हमारे भैया है कृष्णा स्टूडियो वाले उदयपुर से, काफी दिन से डिमांड चली आ रही है, आज बुलवा पाया है मुझे। हम तो यही कहेंगे गोविंद की कृपा से इनका स्टूडियो संसार में गूंज मचाता रहे। और आगे लिखा क्या, समय देवव्रत अपने घोड़ा से उतर करके अपने पिता को घोड़ा से उतारा और निषाद से जाकर के करबंध निवेदन किया और कहा अगर तुम शादी कर दोगे मेरे पिता से अपनी कन्या की तो तुम मेरे नाना बन जाओ। आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज संकल्प उठा रहा हूं कि जब तक धरती और आकाश रहेगा, चंद्रमा और सूर्य रहेगा, तब तक न तो गद्दी को मालिक बनूंगा और न शादी करूंगा। अटल प्रतिज्ञा की। उसी समय महाराज की आंखों से पानी आ गया। कैसे? ओ जब बेटा के वचन सुने मेनन पिधार बही आई रे, ओ भैया पकड़ के बेटा की छाती तिला हो लगाई रे, बसुरिया तेरी मोही सतावे, ये
इसी समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा की और हाथ उठाकर के कहा, मैं मैया अपनी मैया गंगा जी की किस्म खाता हूं। जब तक चंद्रमा सूर्य रहेगा, धरती और आकाश रहेगा, तब तक जो कुछ करूंगा अपने राज्य के लिए करूंगा और साधी नहीं करूंगा और गद्दी का मालिक नहीं बनूंगा। धरती आकाश कांप गए। उसी समय स्वांतन महाराज ने अपने पुत्र का नाम भीष्म रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब भीष्म प्रतिज्ञा की उसी समय नाम भीष्म पड़ गया। तब कहा है स्वांतन महाराज ने, क्या बेटा तूने मुझे मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, मैं तुझे वचन दे रहा हूं और ये वरदान दे रहा हूं। क्या कहा? एक बात और बताएं दादा, जिन्होंने त्याग किया अपने माता पिता के लिए, जो त्याग किया सेवा की, आज तक शास्त्रों में उनका ही नाम आया और जब तक धरती के धरती आकाश रहेगा तब तक उनका संसार में नाम रहेगा। स्वांतन महाराज कह रहे हैं, अरे इंद्र लड़े चाहे विष्णु लड़े, बेटा चाहे कब छत्र लगाएगा और इंद्र सजे